नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार आपके साथ। हमारे खास कार्यक्रम जनादेश 2019 में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों के बारे में। चुनावी मुद्दों में आम जन की भागीदारी कितनी जरूरी है। हमारे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार कमलेश भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक सिंह जी, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, इस वक्त किन मुद्दों के ऊपर ज़्यादातर बातें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जो भी जगह हैं, जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो मुद्दे हैं वो भी अलग अलग हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें जैसे भिवानी की बात करें तो कृषि बाहुल एरिया है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट जो नहीं हुआ है, जो यहाँ की बुनियादी सुविधाएं जिनका विस्तार नहीं हुआ है, उसको लेकर के वो वहाँ पर सियासत उस पर तेज है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ की बात करें तो तेल तक जो पानी नहीं पहुँच पाया है नहरों से, हालाँकि जो डेवलपमेंट की बात कर रही है बीजेपी कि अब तेल तक पानी पहुँचाया गया है और कई इलाकों में अभी तेल तक पानी नहीं पहुँचा है, ये भी एक तरीके का मुद्दा है। वहीं अगर हम सिरसा की बात करें तो सिरसा में नशाखोरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो कि लगभग सभी दलों के मुख पर है। सभी दल उसको बंजाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नशाखोरी पर रोक लगाई जाए और लोगों के बीच में वो जा रहे हैं। इसी तरीके से चाहे रोहतक हो, जींद हो, कैथल हो, इन सभी जगहों पे जो है स्थानीय मुद्दे जो हैं वो जो है धीरे धीरे करके आकार ले रहे हैं और सभी सियासी पार्टी जो है कहीं ना कहीं इन सबको स्थानीय मुद्दों को अलग अलग तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो राष्ट्रीयता का मुद्दा है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी अभी है धारा 370 हटने को लेकर के, क्योंकि हरियाणा के ज़्यादातर लोग जो है तकरीबन हर घर से एक आदमी फौजी है और ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे भी काफ़ी हावी हैं हरियाणा में, लेकिन स्थानीय मुद्दा और विकास का मुद्दा यहाँ सर चढ़कर बोल रहा है नेताओं के सर पर। चलिए अभिषेक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। आपने इतने सारे इलेक्शंस कवर किए हैं तो कितना बदल गया है इलेक्शन और कितने मुद्दे बदल गए हैं, क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी, मैंने लगभग 2 दशक हो गए जब हरियाणा में चुनावों की कवरेज की, 2 दशक से लगातार। जब आया था, ये सन 1999 की बात है, तब सड़कों का बहुत बुरा हाल था, तो लोग ये भी कहते थे कि ये गड्ढे कहाँ हैं और सड़क कहाँ है। उसके बाद जो सरकारें आईं उन्होंने सड़कों पर ध्यान दिया। ऐसा ही हाल बिजली का था, जो मूलभूत आवश्यकता है। दिन कर बकायदा 3 घंटे का कट लगता था 3 से 6 तक रोज़। उस कट से भी अब काफ़ी हद तक निजात है, आने वाली सरकारों ने ध्यान दिया। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती थी, जैसे कहते थे ना मजाक में, बसप्पा, क्या बसप्पा? बिजली, सड़क, पानी, और उसके साथ अगर चीज़ लगातार कोई चली है वो है कानून व्यवस्था। ये बहुत बड़ा एक मुझे चुटकुला लगता है कि जो सरकार होती है वो कहती है हमने कानून व्यवस्था पर कंट्रोल कर रखा है। जो विरोधी होते हैं, इतने सालों से सुन रहा हूँ, वो कहते कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। ये भी मुद्दा है, कई लोगों ने उसको अलग तरह से, जैसे लड़कियों के हिसाब में उठा लेते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, कानून व्यवस्था ख़राब है। व्यापारी लुट रहा है, कानून व्यवस्था ख़राब है। मतलब कहीं कुछ भी होता है, कानून व्यवस्था ख़राब है। ये मुद्दे तो वो एक कहते हैं स्थायी मुद्दे हैं। हमारा प्रदेश कौन सा है? कृषि प्रधान प्रदेश, और जहाँ आपको मुद्दा कौन सा बनाना है? किसानों का। और किसानों को अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वोट कहाँ से पाओगे? किसानों का मुद्दा नहीं है। कहते हैं कि ये रिपोर्ट लागू करवाएंगे, वो रिपोर्ट लागू करवाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। वो भी एक मुद्दा है। किसानों के बाद आप देखते हैं कि और मुद्दा क्या है, उनकी जो साथ लगती चीज़ें, डीजल, डीजल के अलावा ये पैरास जो अपने छिड़काव करते हैं, जो इनकी चीज़ें हैं उनकी भी बात होती है। खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, ये मुद्दे नहीं तो और क्या है। इसके अलावा जब अनाज मंडियों में फसल लेकर जाते हैं तो बिकती है या नहीं बिकती है? कई तरह के लाइसेंस चाहिए, कई तरह के प्रमाण पत्र चाहिए, अब तो पटवारी का भी प्रमाण पत्र मांगने लग गए। तो ये जो मुद्दे हैं ये बड़े रोचक मुद्दे हैं और बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। इसके अलावा एक मुद्दा ऐसा है, वो भी कमाल है, छात्र संघ चुनाव। जब से आया हूँ यही सुन रहा हूँ, हर पार्टी वादा करती है छात्र संघ चुनाव करवाएंगे करवाएंगे, वो बाद में पता चला वो चुनाव कैसे हो रहे हैं।
इन बातों को आप देखेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जित दूध दही का खाना, ऐसा मेरा हरियाणा, ये मुद्दे चलते रहे हैं, जैसा कि कमलेश जी बात कर रहे थे अब तक। तो आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ में मुद्दे भी बदल रहे हैं और बदलना भी ज़रूरी भी है? तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए, जिनमें आम जन की भागीदारी होनी चाहिए? मुद्दों की बात करें तो हरियाणा में मैंने भी काफ़ी इलेक्शन कवर करे हैं, तो जैसे कमलेश जी बोल रहे थे कि वही SYL का, हाई कोर्ट का, हमारी राजधानी का, ये तो स्टेट के मुद्दे रहे हैं, वो कई दशकों से देखते हैं, ये मुद्दे ही हैं, ये कभी इनका निपटारा नहीं हुआ हर लेकिन आज तो हाल ये है कि इस इलेक्शन में ये मुद्दे दिखाई ही नहीं दे रहे, कोई बोल भी नहीं रहा इन मुद्दों पर। दूसरा, बिजली, सड़क, पानी, हेल्थ, ये मुद्दे आप ये देखो कि 1947 के बाद भी हम आज चुनाव लड़ रहे हैं और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं कि आज हमारी सड़कें टूटी हुई है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये हम सबका फेलियर है, हमारा जनता का भी फेलियर है कि हम कैसी सरकार चुन रहे हैं, पॉलिटिशियन का भी फेलियर है, मतलब वो मुद्दे ख़त्म ही नहीं होते, वही मुद्दे रहते हैं। हमें आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आज के दौर पर हमें मुद्दे होने चाहिए वाईफाई के बारे में, कि हम बस स्टैंड पे जाएं तो वाईफाई मिलना चाहिए, मतलब हमें कुछ और इंटरनेट सुविधा हो, कहीं साइबर कैफ़े खुले हों, हमें हर काम डिजिटल हो रहा है तो हर जगह हमें एक्सेस होना उस चीज़ का। तो मेरे हिसाब से और दूसरी बात मैंने जो देखी कि मुद्दों पे हरियाणा के अंदर मुद्दों पे सिर्फ मुद्दे एक ना वो होता है कि हमने मैनिफेस्टो बना दिया, जारी कर दिया, बता दिया, ना तो जनता इतना सीरियसली उनको लेती, ना नेता लोग भी उनको सीरियसली बनाते। इस बार के देखे हैं मैंने, कई पार्टियों ने ऐसे ऐसे मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में डाल रखे हैं जो पिछली सरकार पूरे ही कर चुकी है, मतलब इस तरह, इसका मतलब वो सीरियसली बना भी नहीं रहे उनको, क्योंकि जनता भी सीरियसली नहीं लेती। यहाँ गाँव में बात करते हैं, कई और जगह बात करते हैं, तो यहाँ जो चुनाव जो होता है ना वो किसी को जिताने के लिए होता ही नहीं है, यहाँ चुनाव होता है हराने के लिए। मतलब यहाँ जो लोग वोट देते हैं ना वो ये नहीं कि मेरे पसंद का नेता है, वो वोट देते हैं ये पसंद का नहीं है मेरे, अब ये कैसे हारेगा, मतलब यहाँ मुद्दे ही अलग है, मुद्दे ही अलग है। कमलेश जी, क्या आजकल के टाइम में जो नेता है उनकी सोच बदली है, वो ज़्यादा स्मार्ट बन गए हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करूँगा तो मैं वोटों को मैं रिझा सकता हूँ, जो वोटर्स हैं वो मेरी तरफ हो जाएंगे? जो आप कह रहे हो ना, जादूगरी है ये कि जो नेता ज़्यादा जादूगरी कर गया और उसकी जादूगरी पसंद आ गई वो हिट हो गया। अब देखिए एक नया, मतलब नई बात आई, एक नेता कहता है मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, किसी राज्य में 3 भी हैं, किसी में 4 भी हैं, किसी में 2 भी हैं, ये भी एक नया मुद्दा आ गया। सब पूछते हैं नेताओं से ये आप कितने बनाओगे, आप कितने बनाओगे, ये जादूगरी नहीं तो और क्या है। इसी तरह से आप देखिए कि कोई कहता हम एयरपोर्ट ला देंगे, ये भी एक जादूगरी है, आएगा या नहीं आएगा इतने सालों से सुन रहे हैं, कितनी बार फेल हो लिया, ये भी एक मुद्दा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नेता और नहीं, यहाँ तो हरियाणा में एक मैदर बात होती थी कि कोई मुद्दा नहीं, अगर मैं नहीं जीता मैं नाक कान कटा लूँगा, यहाँ यह भी होता रहा कि कटाए तो किसी ने नहीं, ना कभी कोई कटाएगा। अब आप देखो एक नया मुद्दा आ गया, एक ऐसी प्रत्याशी खड़ी हुई जिसको टिकटॉक गर्ल कहने लगे, अब ये भी तो एक मुद्दा है कि टिकटॉक वाले लड़ सकते हैं चुनाव के, नहीं लड़ सकते, ये रोचक जादूगिरी आ रही है कि उसको लेकर आप इशू बनाते हो। एक मुद्दा है सबसे बड़ा जो चल रहा है, परिवारवाद, कि एक तरफ पार्टी कह रही हमने परिवारवाद खत्म कर दिया, लेकिन एक तरफ एक परिवार में 3 टिकटें भी मिल रही हैं, एक रोता ही रह गया उसको मिली ही नहीं अपनी बेटी के लिए, ये मुद्दे नहीं और क्या है, ये नए मुद्दे हैं। बिल्कुल, ये नए मुद्दे हैं। कुमार मुकेश जी, आपको क्या लगता है जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और राज्य स्तरीय जो मुद्दे होते हैं, इन दोनों में समन्वय बना के चलना कितना ज़रूरी है? देखो मुद्दे, हर आदमी हर मुद्दे से जुड़ा है, जैसे हम बात करें 370 की राष्ट्रीय मुद्दा है, तो ये ऐसा नहीं है कि हरियाणा का नहीं है, वो तमिलनाडु का भी है, राष्ट्रीय मुद्दा तो जुड़ा है, सबसे जुड़ा है, ऐसी बात नहीं है, और तालमेल होता है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है वो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आज हमें अपने स्टेट के मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए कि
हमारा स्टेट का मुद्दा क्या होना चाहिए, हम स्टेट को कैसे आगे लेके जाएं, क्या दिक्कत आ रही है हमारे किसानों को, क्या दिक्कत आ रही है, वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं, या किसान धरने पे क्यों बैठे हैं। एक एक गांव है उसके किसान बोल रहे हैं कि हमें राजस्थान में शामिल करवा दो पानी की कमी की वजह से। हम सुनते आ रहे हैं कि हरियाणा में बढ़िया है, हरियाली है, राजस्थान तो सूखा है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें तो राजस्थान जाना है। तो असली मुद्दे उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और जैसे सड़कों की बात है, पिछले चुनाव में 5 साल पहले ही मैंने देखा सड़कें मुद्दे थी पिछले चुनाव में कि टूटी हुई है सड़कें, और अब हालांकि लगभग सड़कें अभी भी कई जगह मिल जाएगी लेकिन उस तरह नहीं है। हमारे ट्रैफिक व्यवस्था, हिसार की देखें सबसे बड़ी बात कि यातायात व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा, मतलब सबसे बड़ा मैं कहूँ समस्या अगर हिसार की है तो यातायात व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हम। अगर हम जिंदल चौक से लेके बस स्टैंड तक जाएं गाड़ी के अंदर आधा घंटे पहले नहीं पहुंच सकता कोई। तो ये हर चुनाव में मुद्दे बनते आ रहे हैं, ना कोई सीरियसली काम करता, ना समझ में आ रहा है कि इनको कैसे हल किया जाए। तो मुद्दे दोनों सामंजस्य तो होना बिल्कुल। अगर हम मुद्दों की बात करें, हर क्षेत्र के अपने मुद्दे होते हैं। अगर हम जैसे भी नेता जिस क्षेत्र में जाते हैं विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मैनिफेस्टो भी अलग अलग होना चाहिए अलग क्षेत्र का? ऐसे प्रयोग कर तो लिए लोकसभा में, अलग अलग बना के कुछ प्रत्याशियों ने देखे, पर मुझे तो इसलिए थोड़ी हंसी आ रही थी जब मुकेश बात कर रहे इन पर नहीं, कि जब इन्होंने सड़कों की बात की, अब सड़कें मुद्दा नहीं, सड़कें बहुत अच्छी बन गई, अब एक नया मुद्दा बन गया टोल प्लाजा हटाओ, टोल इतने लग गए, पैसे इतने लग गए, तो इसको हटाओ, अब ये नया मुद्दा है। वादे भी कर रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं कि हम ये टोल प्लाजा हटा देंगे। भाई अगर हटा दोगे ठीक है, तो सड़कों की व्यवस्था कैसी होगी? बिल्कुल, मैं एनसीआर क्षेत्र करते समय ये तो देखो, मैं एनसीआर क्षेत्र की बात करूंगा, वहां पर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ दिया गया है, दूसरे मुद्दे जो छोटे मुद्दे हैं उनको उठा के लोगों के सामने रखा जाता है? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, ये हमारे ना लॉन्ग टर्म की लाइफ को डिसाइड करने वाले मुद्दे हैं, जिनको हम सोच ही नहीं रहे हैं, हमें मैनिफेस्टो में डाल ही नहीं रहे हैं कि दिल्ली जैसा अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हरियाणा का हाल भी दिल्ली जैसा होना है, अगर हमने ध्यान दिया तो दिल्ली भी सुधर सकता है। तो ये वास्तव में ये मुद्दे होने चाहिए, गंभीर मुद्दे हैं ये हमारी नई जनरेशन को हम क्या देंगे अगर इन मुद्दों को हम शामिल नहीं करेंगे। तो आज दिल्ली में जैसे सांस लेना दुभर हो गया है, तो अगर आने वाले टाइम में अगर ध्यान नहीं दिया, ग्रीनरी नहीं की, वो पोल्यूशन कम नहीं किया, तो वहाँ तो घुसना ही मतलब ये होगा कि वहाँ जाके आए हो तो इसका कुछ बीमारी लेके आए हो। बिल्कुल, मैं आखिरी आपके कमेंट चाहूँगा। एक मेरा सवाल है, जो मैनिफेस्टो बनता है उसमें जनता की भागीदारी कितनी होनी चाहिए सूक्ष्म शब्दों में? भागीदारी तो होनी चाहिए, जनता को कम से कम जो पिछला मैनिफेस्टो है उसके ऊपर सवाल करने चाहिए कि आपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हमसे ये वादा किया था, वो कहाँ है? वो तो पूरा नहीं किया, अब नया संकल्प पत्र आ गया, तो पहले पुराना तो पूरा कर लो। अब जो आम भाषा सारे नेता सारी पार्टियां जोड़ रही हैं क्या है, हिसाब मांगो। अरे हिसाब मांगेंगे, घोषणा पत्र तो पहले से ही बना लो। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं बिल्कुल, ये तो ऐसे मुद्दे भी उठते रहे हैं कि इसको क्यों ना क्राइम बना दिया जाए। आपने मेरे से कहा कि मुझे मेरी सरकार बनाओ, मैं ये कर दूंगा, आपने वो पूरा नहीं किया, तो अगर क्राइम की बात करें तो 420 है ये जनता के साथ। तो जनता को हिसाब मांगना चाहिए, हमारे साथ धोखा क्यों किया भैया? पिछली बार आपने वोट दिया, हमने सरकार बनाई, और आपने जो कहा वो किया नहीं, तो इसका मतलब आओ भाई तुम, मुकदमा लड़े तुम्हारे खिलाफ। लो बनने चाहिए, इस तरह के लो भी बनने चाहिए कि आपने बोला वो पूरा करो, नहीं करो तो फिर आप उसका खामियाजा भुगतो। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं 21 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं, इस दिन आप अपने घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार।